हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का पहला वीडियो है। इसका मतलब है कि हम आज यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे आप कहते हो डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। तो बेटे इस यूनिट में हमें अध्ययन करना है डी ब्लॉक तत्वों का और एफ ब्लॉक तत्वों का, ठीक है बेटे? और ये है यूनिट नंबर 8। इससे पहले 7 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में लिंक आएगा, वहां भी आप इससे पहले 7 यूनिट पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है बेटे? तो आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा? 8वीं यूनिट में हमें आज पढ़ना है बेटे डी ब्लॉक तत्वों के बारे में, जिन्हें आप संक्रमण तत्व या संक्रमणीय तत्व भी कहते हो। और बेटे संक्रमण तत्व को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमें आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद बेटे हम इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ तो बेटे हमें पढ़ना है संक्रमणीय तत्व या डी ब्लॉक तत्वों के बारे में। और बेटे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। बच्चे डी ब्लॉक तत्वों से बहुत ज्यादा डरते हैं, अर्थात संक्रमण तत्व या संक्रमणीय तत्वों से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो बेटे आज हमें इस डर को बिल्कुल दूर करना है, 100% दूर करना है, ठीक है बेटे? ध्यान से समझेंगे, थोड़ा समझने का काम ज्यादा है पर बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है? ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटे कि हमारा टॉपिक जो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व है, तो इन डी ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। यदि हम बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी की शक्ल कुछ ऐसी होती है जैसी आपको दिखाई दे रही है। इसमें होते हैं बेटे चार हिस्से या चार ब्लॉक। एक ब्लॉक तो ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक दोनों के बीच में रखा है और एक ब्लॉक रखा है नीचे। इस तरह आवर्त सारणी में चार ब्लॉक होते हैं, एक दो तीन और चार, चार हिस्से होते हैं। पहले ब्लॉक में क्या होता है, पहले ब्लॉक को हम कहते हैं एस ब्लॉक तत्व। ये एस ब्लॉक तत्व मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहला जो वीडियो था वो आवर्त सारणी के बारे में ही था, ठीक है बेटे? तो एस ब्लॉक तत्वों का आपको पता होना चाहिए कि पहले और दूसरे वर्ग के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ध्यान से समझो जरा, ये क्या लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है वर्ग, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और आवर्त कितने होते हैं बेटे, 7। तो हमारे जो पहले और दूसरे वर्ग के तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक तत्व, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में एंट्री मारता है। और बेटे आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, बाहरी कक्षा के पी उपकोष में, यानी कि आप कह सकते हो एन पी में। एन माने क्या होता है, बाहरी कक्षा। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बताता हूं कि मान लो हमारे पास कोई परमाणु है और ये नाभिक है, एक कक्षा दो तीन चार पांच, मान लो उसके पास 5 कक्षाएं हैं, तो बेटे जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और जो बाहर से अंदर वाली कक्षा यानी सेकेंड लास्ट कक्षा होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं n-1 से, और जो ये कक्षा होती है थर्ड लास्ट इसे हम प्रदर्शित करते हैं n-2 से, ठीक है? ये बात सबको पता होनी चाहिए। बाहरी कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट कक्षा जिसे आप n-1 से प्रदर्शित करते हो, इसे बेटे पेनल्टीमेट ऑर्बिट भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो
पी ब्लॉक तत्व वर्ग 13 से 18 तक के हैं, जिनका हमने अध्ययन कर चुके हैं हम पिछले यूनिट में। फिर आती है बात डी ब्लॉक तत्वों की। यहाँ टारगेट करना पड़ेगा आपको, यही हमारा चैप्टर है। डी और एफ के बारे में ही हमने इस चैप्टर में अध्ययन करना है। बेटे वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं ना, उन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व। अब सवाल ये आता है कि सर वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटे इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन वर्ग संख्या 3 से 12 तक के जितने भी तत्व हैं, उन में से किसी भी तत्व का आप यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटे N-1d में एंट्री मारेगा। कहाँ एंट्री मारेगा? N-1d, यानी सेकंड लास्ट कक्षा के या पेनल्टीमेट कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करेगा, यदि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्वों में से किसी का भी। इसलिए वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, तो इस चित्र को तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया आपको। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं या संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो यहां से यहां तक आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, जो मैंने यहां से यहां तक लिख रखा है। ठीक है बेटे, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक होगी बात। अब क्यों कहलाते हैं? दूसरा पॉइंट, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1d उपकोष में प्रवेश करता है। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? यही तो है N-1। तो N-1 यानी सेकंड लास्ट कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करेगा, इसलिए इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ध्यान से देखो भाई, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रख रखा है इन्हें, इसलिए इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। देखो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये एस व पी ब्लॉक के बीच में हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखे हुए हैं डी ब्लॉक तत्व, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है बेटे, अब देखो एक बात समझनी है आपको, ये जो डी ब्लॉक तत्व है ना, इनकी चार श्रेणियां हैं। एक तो श्रेणी है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, बीच के तत्व मैंने लिखे नहीं है यहां, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं इंट्रोडक्शन। और फिर बेटे दूसरी श्रेणी है वाई, यानी अट्रियम से लेके कैडमियम तक, फिर लेंथेनम से मरकरी तक, और चौथी श्रेणी है एक्टिनियम से कॉपरनिकम तक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक तत्व वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व हैं, आवर्त सारणी में बीच वाला हिस्सा है, और इसमें कितनी श्रेणियां हैं? 1, 2, 3, 4। अब यदि मैं पहली श्रेणी की बात करूं जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, इस श्रेणी में कौन से आवर्त में है यह श्रेणी? देखना जरा इधर को आके, चौथे आवर्त में है। यानी कि इनके पहली श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, इन सबके पास चार कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? चार। ये पांचवे आवर्त में रखे हुए तो इनके पास पांच कक्षाएं होंगी, ये छठे आवर्त में रखे हुए तो इनके पास छह कक्षाएं होंगी, ये सातवें आवर्त में रखे हुए तो इनके पास सात कक्षाएं। तो आप जरा इस पे आओ, पहली श्रेणी पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनके पास कौन सा आवर्त है? ये चौथा आवर्त है। तो यदि चौथा आवर्त है तो कक्षाएं तो इनके पास चार होंगी, और यदि इनके पास कक्षाएं चार हैं तो क्या चौथी कक्षा में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। आपको पता है कि यदि इनके पास चार चार कक्षाएं हैं तो चौथी कक्षा के डी उपकोष में लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं मारेगा। कौन सी कक्षा के डी उपकोष में एंट्री मारेगा बताओ? यदि इनके पास चार कक्षाएं हैं, चार ऑर्बिट हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा तीसरी कक्षा के डी उपकोष में। इसलिए ये जो पहली सीरीज है इसके पास भले ही कक्षाएं इनके पास चार चार हों, ठीक है, पर इसे कहते हैं हम 3D श्रेणी। क्या कहते हैं? 3D श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन तो बेटे 3D में ही एंट्री मारेगा, क्योंकि कक्षाएं इसके पास चार हैं तो बाहरी कक्षा के डी उपकोष में थोड़ा ही प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लास्ट कक्षा या पेनल्टीमेट कक्षा
या N-1 के डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम 3D सीरीज। और इसे इसके पास पांच पांच कक्षाएं हैं, पांचवी आवर्त में जो सीरीज रखी हुई है, दूसरी श्रेणी रखी हुई है, इसे हम कहेंगे क्या, 4D सीरीज, 5D और 6D। अब जो आपके पास चौथा श्रेणी है, इनके पास कक्षाएं तो सात सात हैं क्योंकि सातवें आवर्त में रख रखा है इसे, पर सातवीं कक्षा के डी उपकोष में लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं मारेगा। कहाँ एंट्री मारेगा, छठी कक्षा के डी उपकोष में एंट्री मारेगा, इसलिए इसे 6D सीरीज कहा गया है। तो एक पॉइंट ये लिख के आना है जरूर कि डी ब्लॉक तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक 3D श्रेणी, इसे 3D कहा भले ही इसके पास चौथा आवर्त हो या चार चार कक्षाएं हो। 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्व हैं, ये लिखा है बेटे परमाणु क्रमांक 10 तत्व हैं। देखो एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनमें कितने वर्ग हैं, 3 से 12 तक के। अब इन वर्गों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 वर्ग हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डी ब्लॉक तत्वों में 10 वर्ग क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एस ब्लॉक तत्वों में 2 वर्ग क्यों होते हैं और पी ब्लॉक तत्वों में 1 2 3 4 5 6 वर्ग क्यों होते हैं, और एफ ब्लॉक तत्वों में कितने होते हैं, 14 14 तत्व ही तो रख रखे हैं उठा के, तीसरे आवर्त से रख रखे बेटे 14, किससे, तीसरे वर्ग से, और छठे व सातवें आवर्त से उठा के 14 तत्व यहाँ रख दिए और 14 यहाँ रख दिए। तो एफ ब्लॉक तत्वों में 14 14 तत्व क्यों हैं एफ ब्लॉक में? इसका रीजन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो आप मुझे यूं बताओ कि यदि मैं एस उपकोष की बात करूं तो उसमें एक कक्षक होता है, और पी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 3। डी उपकोष में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, और एफ में कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये बात तो पता है आपको, 1 3 5 7। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसमें कितने आएंगे, 3 दूनी 6। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5 दूनी 10, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 दूनी 14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी रॉन्ग, वर्नर और बरी ने। इसमें हमें पता है कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक तत्वों में 2 ही वर्ग हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक तत्वों में 6 वर्ग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए डी ब्लॉक तत्वों में 10 वर्ग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो वर्ग हैं। और बेटे यदि हम एफ उपकोष की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक तत्वों की जब सीरीज को हम पढ़ेंगे तो उसमें बेटे यहां से लेके यहां तक 14 तत्व रखे होंगे हर एक सीरीज में। 2 सीरीज होती है ना एफ ब्लॉक तत्वों की। डी ब्लॉक तत्वों की कितनी सीरीज होती हैं, 4। एफ ब्लॉक तत्वों की कितनी सीरीज होती हैं, 2। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के 10 तत्व आते हैं, 4D सीरीज में अट्रियम 39 से कैडमियम 48, वाई से कैडमियम। उसके बाद 4D सीरीज हो गया, 5D सीरीज बेटे Na लेंथेनम 57 से मरकरी 80 तक, देखो लेंथेनम से मरकरी। और जो लास्ट की यानी चौथी सीरीज होती है, चौथी श्रेणी होती है जिसे कहते हैं 6D श्रेणी, एक्टिनियम 89 से कॉपरनिकम 112, देखो एक्टिनियम से कॉपरनिकम। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है बेटे? तो अब हम इनके गुणों के बारे में बात करेंगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम पढ़ेंगे सामान्य गुण, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण में बेटे हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है बेटे? देखो यहां हमने हेडिंग लिखी है सामान्य गुण, और सामान्य गुण में सबसे पहला जो सामान्य गुण हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डालकर आपको ये लिखना है एग्जाम में कि N-1D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। N-1 तो समझते हो सेकेंड लास्ट कक्षा, N-D 1 to 10 यानी कि सेकंड लास्ट कक्षा के डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोमा NS यानी बाहरी कक्षा के एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखकर आना है।
अब मैंने जो है यहाँ बना रखी है 3D श्रेणी की, 4D, 5D और 6D, चारों सीरीज को यहाँ बना रखा है। आपको एग्जाम में बेटे ये सीरीज नहीं बनानी है, इस बात को कान खोल के सुन लो। ये जो हमने श्रेणियां यहाँ बनाई हैं, वैसे तो यदि मैं पहली श्रेणी की बात करूं, STTI, VCR, MN, FECO, NICU, ZN, ये श्रेणी हमने आवर्त सारणी में तो ऐसे बनाई थी। आवर्त सारणी में तो पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, फिर तीसरी श्रेणी और फिर चौथी श्रेणी, पर यहाँ मैंने इस श्रेणी को इस तरीके से समझाने के लिए बनाया है। आपको एग्जाम में श्रेणी नहीं बनानी होती है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? कभी आप इसे देख के डर जाओ और यूं सोचो कि सर एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे। जैसे इससे पहले पेज पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको वो जो आवर्त सारणी वाला चित्र है वो नहीं बनाना है एग्जाम में, वो तो समझाने के लिए बनाया था मैंने। आपको सिर्फ उस आवर्त सारणी के नीचे जो मैंने 4 या 5 पॉइंट बताए थे, वे ही एग्जाम में लिखने हैं। इसी तरीके से एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, पर हमें इन चारों श्रेणियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक श्रेणी में से, ठीक है? तो शुरू करें समझना इसे। देखो, सबसे पहले बेटे श्रेणी है 3D श्रेणी। 3D श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक की होती है, आपको पता है। आवर्त सारणी में ऐसे लिखी होती है, हमने उसे ऐसे लिख दिया समझाने के लिए। देखो, 3D श्रेणी है, इसमें क्या है, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, इस तरह लेके जिंक 30 तक है। हमें पता है 3D श्रेणी है, तो 3D तो हमें लिखना ही पड़ेगा, हर एक में हमने 3D लिख रखा। देखो, और 3D के बाद 4S, बाहरी कक्षा। कितनी कक्षाएं होती है 3D सीरीज में? चार। तो 3D और 4S सब में लिखा हुआ है, 3D और 4S। अब समझना ध्यान से, देखो 21 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में आपको पता है कि 3D सीरीज है, तो इसमें डी में एक होगा, डी एक, डी टू, डी थ्री, इस तरह चलेगा ना। इसके डी में होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक है। डी वन से डी टेन तक चलेगा ना, देखो यहाँ लिखा हुआ, सेकंड लास्ट कक्षा के डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा हुआ है ना। तो इसी हिसाब से मुझे पता है कि जब 3D श्रेणी है, तो 3D1 से लेके 3D10 तक जानी चाहिए, यही तो पता है। पर यहाँ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, वे ही चेंजेस हमें समझने हैं, और उन्हीं पे सवाल पूछा जाता है, और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, रट्टा मारते हैं हर एक चीज में। यहाँ बेटे हमें समझना है जितना हो सके, ध्यान से सुनो जरा। देखो, 3D1 है, फिर 3D2 है, फिर 3D3 है। 3D3 के बाद 3D4 आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, यूं बताओ तुम मुझे। यहाँ आना चाहिए था 3D4, और 3D4 की जगह क्या आया, 3D5 आया। जब D में यहाँ एक है, D में दो, D में तीन, D में चार आने चाहिए थे, यहाँ D में पांच आने चाहिए थे, और यहाँ तो है, पर यहाँ D में बेटे चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ये पांच क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि आपने एक बात पढ़ी है, आपने ये बात पढ़ी है कि डी जो उपकोष होता है ना, या कोई भी उपकोष, डी को छोड़ो, कोई भी उपकोष स्थाई होता है कब? वो स्थाई जब होगा या तो वो उपकोष हो बिल्कुल खाली, मतलब कब होगा स्थाई, या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, और या फिर बेटे डी में हो कितने इलेक्ट्रॉन, पूरा कितने में भरता है, 10 में भरता है, और पूरा नहीं भर रहा तो आधा भरे। ये तीन स्थितियां आपको ध्यान रखनी है हर एक उपकोष के लिए, खाली डी की बात नहीं है। मतलब या तो कोई भी उपकोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए जब वो स्थाई होता है, या फिर वो आधा भरा हुआ होना चाहिए तब वो स्थाई होता है, और यदि किसी उपकोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, माने रिक्त है, तब भी उपकोष स्थाई होता है। ये तीन स्थितियां अपने दिमाग में घुसा लो बिल्कुल। ये खाली डी उपकोष की बात नहीं है, सबकी है, आधे भरे हुए, पूरे भरे हुए और खाली, ये तीन तरह के उपकोष होते हैं, सबसे ज्यादा स्थाई। अब देखो, सुनो मेरी बात, आपको पता है कि डी कब भरेगा पूरा, जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आधा कब भरेगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है डी में एक, डी में दो, डी में तीन, डी में चार होने चाहिए थे। अब डी में पांच क्यों हुए? डी में पांच इसलिए हुए बेटे क्योंकि डी में जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्थाई नहीं होता है, और डी में ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, एस में दो थे ना, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आया बेटे, डी में आया है। अंतिम एस का एक इलेक्ट्रॉन अंतिम डी में इस तरीके से आया है।
अब तुम यूँ कहोगे कि सर ठीक है, हमारी समझ में एक बात आई है कि चार इलेक्ट्रॉन थे और चार से हो गए पांच, जब चार से पांच इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका मतलब डी उपकोष भर गया है आधा, यानी अर्धपूर्ण हो गया है या आधा भर गया है, और डी उपकोष आधा भरने के कारण क्रोमियम को मिला है स्थायित्व। क्या मिला है? स्थायित्व या स्टेबिलिटी, ये बात तो समझ में आई। पर हमें एक बात तो बताओ सर कि इसका एस का क्या होगा बेचारे का? एस का तो एक इलेक्ट्रॉन गया ना, तो बेटे एस के बारे में सुनो ध्यान से, एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो, दो में तो पूरा भरा होता है, और जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो अब एस में कितने बचे? एक, तो एक में बेटे पूरा नहीं भरा हुआ तो आधा तो भरा हुआ है, एस उपकोष एक इलेक्ट्रॉन में आधा भरा हुआ होता है, और आपको पता है कोई भी उपकोष स्थायी कब होता है, या तो वो पूरा भरा हुआ हो या फिर वो आधा भरा हुआ हो या फिर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना। तो यहाँ जो है बेटे, एस ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दिया है यहाँ, तो एस का अपने आप का कोई नुकसान नहीं हुआ है, एस का कोई नुकसान नहीं हुआ पर डी का फायदा हुआ, तो हमें दान उतना करना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और यदि हम अपनी धन संपत्ति सारी ही लुटा दें, अपने आप सड़क पे आ जाए, दान इतना कर दे, तो ये दान तो कुछ अच्छी बात नहीं है इस तरह का दान करना। दान इतना करो कि अपने ऊपर कोई फर्क ना पड़े। आपको बता कि एस में यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भर रहा होगा, स्थायी होगा, और एस में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो आधा तो भर ही रहा होगा, और आधा भर रहा तो आधे भरे हुए उपकोष भी तो स्थायी होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ क्रोमियम पे स्टार लगाया है। क्रोमियम पे क्या लगाया है? स्टार। आपको क्रोमियम जो है आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब आपबाहु नियम पढ़ा था, उसमें आपने यूं लिखा था आपबाहु नियम में कि उसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, इनका जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आखिरी एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन आखिरी डी में आ जाता है। क्यों आ जाता है उसके बारे में कुछ बच्चों ने समझा होगा और कुछ ने नहीं समझा होगा, उसका रीजन यही होता है बेटे। आपको पता है डी पांच में तो भरता है आधा और 10 में भरता है पूरा, तो यदि कहीं डी में चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो पांच होना ज्यादा अच्छा है उसके लिए, तो चार से तो हो जाते हैं पांच और नौ से हो जाते हैं 10, क्योंकि एस उपकोष पे एक इलेक्ट्रॉन देने में उसे कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ होने चाहिए थे कितने? तीन के बाद देखो, डी में एक दो तीन, डी में चार होने चाहिए थे पर चार की जगह पांच आ गए। कहाँ से आया ये एक इलेक्ट्रॉन? एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एस पहले पूरा भर रहा था अब आधा भर रहा, पहले भी वो स्थायी था अब भी वो स्थायी है, स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर हाँ, उसने जो डी के अंदर यदि चार इलेक्ट्रॉन होते तो उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होती, स्थायित्व कम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन दे के उसे आधा भर दिया तो स्थायी हो चुका है डी उपकोष। ठीक है, इसलिए क्रोमियम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया हमने। अब देखो ये 3 4, यहाँ तो 5 आना ही था, D5 D6 D7 8, यहाँ तो 9 आना चाहिए था। देखो यहाँ भी मैंने स्टार लगा रखा कॉपर 29 पे, 9 आना चाहिए था, पर क्या है यहाँ, यहाँ 10 है। क्यों है 10? आधे बच्चों के समझ में आ गया होगा क्यों है 10, क्योंकि 9 में तो ना तो पूरा भरता है ना तो आधा, पर यदि इस पे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 10 हो जाएंगे, और जब डी में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन तो डी क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो यहां भी एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दिया है? डी को स्थाई करने के लिए। तो इसलिए मैंने इस पहली सीरीज में हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि पहली सीरीज में एक तो क्रोमियम 24 का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कॉपर 29 का। वे पूछेंगे कि क्रोमियम 24 में 3D4 4S2 होना चाहिए था, पर 3D5 4S1 क्यों है? तो आप लिखोगे कि जो 3D और 4S उपकोष होते हैं ना, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, सुन रहे ना बेटे ध्यान से, जो 3D उपकोष होता है और 4S उपकोष होता है, इन दोनों उपकोषों के बीच का ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, और जब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बड़ा इजी है, बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना। इसलिए जहां भी जरूरत पड़ती है डी को, वहां डी के पास एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाता है? एस के पास से आ जाता है। और जरूरत कहाँ पड़ेगी? दो ही जगह तो जरूरत पड़ेगी भाई, या तो चार से पांच करने हो क्योंकि पांच में वो आधा भर जाएगा डी, या फिर 9 से 10 करने हो क्योंकि 10 में डी उपकोष पूरा भर जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो एक दो तीन चार, चार से पांच कर दिए, इसे भी खुश कर दिया, अपने आप भी खुश हैं, और देखो
5, 6, 7, 8, 9 होने चाहिए थे, 9 से 10 कर दिए और अपने आप भी खुश है, इसे भी खुश कर दिया, तो दोनों पे स्टार लगा दिया। दोनों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसलिए सीरीज को समझना जरूरी है। सीरीज में किसी को रट्टा नहीं मारना, और एग्जाम में ये सीरीज बनाकर नहीं आनी है, ये समझाने के लिए है, क्योंकि इनके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, आ जाओ 4D सीरीज पे। सबसे खतरनाक सीरीज है दूसरी सीरीज, जिसे हम कहते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज है Y39 से Cadmium-48 तक। देखो 39 से 48 तक है, ठीक है, आपको पता 4D सीरीज है तो हर जगह 4D लिखा हुआ, और 4 का D है तो 5 का S होगा, क्योंकि सेकंड लास्ट कक्षा का D है तो लास्ट का S होगा, नहीं? ठीक है। अब देखो, यहाँ मैंने देखो कितनों पे स्टार लगा रखे, 1, 2, 3, 4। एक बात तो आपकी समझ में आई होगी, एक बात बेटे ये समझ में आई होगी कि जहां डी को जरूरत पड़ेगी, डी लाभ उठा लेगा एस उपकोष के द्वारा। बट डी को जरूरत कब पड़ेगी? दो जगह जरूरत पड़ेगी, या तो डी को करने हो 4 से 5 इलेक्ट्रॉन, या फिर डी को करने हो 9 से 10 इलेक्ट्रॉन। दो जगह उसे जरूरत पड़ती है, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है। पर कभी कभी बहुत अजीब बातें देखने को हमें मिलती हैं और हमारी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है। और वैज्ञानिक इन बातों को खोजने में लगे हुए भी हैं, क्योंकि दूसरी सीरीज यानी 4D सीरीज हमें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। वैसे तो बच्चे यहां तक पहुंचते ही नहीं है, हमेशा प्रश्न उत्तर में रट्टा मार लेते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, जैसे छोटी क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं कि प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, रटना शुरू कर दिया। बेटे समझ के ही काम चलेगा, जहां तक संभव हो सके वहां तक हमें समझना चाहिए। देखो दूसरी सीरीज जिसे कहते हैं 4D सीरीज, देखो डी में 1, ठीक है, हमें पता है कि D1 से D10 तक इसे जाना है। आपको पता है डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो D1 से D10 तक इसे जाना है। आप इस सीरीज में दोबारा देखो एक बार, D1 से D10 तक गए, सिर्फ आपने एक बात नोट करी होगी कि एस में हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन है, हर जगह 2 है, दो जगह ही सिर्फ चेंज हुआ, एक तो यहाँ क्रोमियम 24 में 2 से 1 हुआ, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, और बेटे एक कॉपर 29 में यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 होने चाहिए थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। बस ध्यान रखना है सारी सीरीज में सही चल रहा है हिसाब, एस में हर जगह 2 है, सिर्फ 2 केस को छोड़ के यहाँ क्रोमियम में और कॉपर में, क्योंकि इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया है। अब आ जाओ इस सीरीज में, डी में 1 से लेकर 10 तक होने चाहिए, ठीक है, एस में 2, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। पर देखो कितना अजीब खेल है, अजीब खेल ये है, D1, D2, D3, देखो 3 का 4 हो गया, बड़ी अजीब बात है भाई। अब हम यूं सोच रहे कि भाई D3 का 4 क्यों हुआ, क्या डी में 4 इलेक्ट्रॉन करने से कुछ फायदा हुआ है ना अजीब बात। भाई डी में 3 होने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन एस ने अपना इसे दे के इसका क्या फायदा कर लिया, भले ही इसका नुकसान ना हुआ हो। भाई एस तो 2 में पूरा भर रहा स्थाई है और 1 में आधा भर रहा अब भी स्थाई है, पूरा नहीं भर रहा तो आधा भर रहा स्थाई है। पर मुझे सोच के एक बात बताओ बेटे कि यहाँ डी के पास 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 3 से हुए हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन में क्या इसका कुछ भला हुआ है? कुछ भी भला नहीं हुआ। तो आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन यहां से एस से डी में क्यों ट्रांसफर हुआ? इसीलिए तो ये वाला जो नियोबियम है Nb41, इस पे स्टार लगाया मैंने, क्या लगाया स्टार, क्यों ट्रांसफर हुआ, इसका रीजन पता क्या है बेटे? ध्यान से सुनियो, कान खोल के बिल्कुल ध्यान से समझना है सबको। होता क्या है कि जो 4D और 5S है उपकोष, भाई एक तो 4D है लिखे हुए, सारे 5S लिखे हुए, 4D और 5S उपकोषों का जो एनर्जी डिफरेंस है, सुनियो ध्यान से, जो एनर्जी डिफरेंस है वो बेटे बहुत कम है 4D और 5S का। यहाँ थे 3D और 4S, 4D और 5S उपकोषों का ऊर्जा का अंतर या एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा ही कम है, लगभग बराबर है। और ज्यादा ही कम होने के कारण क्या होता है कि एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में एंट्री मार जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि कोई लाभ हो रहा है तब तो होते ही हैं, और यदि कोई लाभ नहीं हो रहा है तब भी हो जाते हैं। इसलिए Nb में क्या हुआ है, आखिरी एस का इलेक्ट्रॉन आखिरी डी में एंट्री मार गया है, और इसलिए मैंने इस पे लगाया है स्टार। ध्यान रखोगे इस बात को। अब देखो डी में 1, 2, 3, 3 होना चाहिए था, हो गया 4, कोई बात नहीं, स्टार लगा दिया, इंपॉर्टेंट है। 4 के बाद क्या होना चाहिए, 3 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए था,
और आपको बता कि चार का तो हम पांच बना सकते हैं, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थाई कर सकते हैं, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा तो होना ही होता है। आपको पता है कि यदि डी में चार हैं तो चार के तो हो जाएंगे पांच, और डी में यदि नौ हैं तो नौ के हो जाएंगे 10। ये तो एक सामान्य बात है, हमें पता चल गया कि या तो आधा भरा होना चाहिए डी या तो पूरा भरा होना चाहिए डी, ये बात तो हमें पता चल गई। अब देखो यहाँ जो है डी में एक दो तीन चार होने चाहिए थे, चार के कितने हो गए पांच, इसलिए हुए क्योंकि पांच में डी अर्धपूर्ण हो गया है, आधा भर गया है, स्थाई तो आ गया है, और एस आधा है कोई बात नहीं, पूरा है जब भी स्थाई है, आधा है तब भी स्थाई है। अब पांच के बाद यहाँ क्या होना चाहिए था बताओ, ये चार है, चार के बाद यहाँ पांच होना चाहिए था, पांच के बाद यहाँ छह होना चाहिए था, छह का सात करके क्या उखाड़ लिया इसने यूं बताओ, छह का सात कर दिया, सात करके डी का कुछ फायदा कर दिया क्या इसने, कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बेमतलब ट्रांसफर हो रहा, क्यों हो रहा ट्रांसफर, वही रीजन है 4d और 5s के बीच का एनर्जी डिफरेंस यार कुछ ज्यादा ही कम है, और जो एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा ही कम है तो इलेक्ट्रॉन इसलिए बेमतलब ट्रांसफर मार रहे हैं, बेमतलब ही क्या हो रहे हैं यहाँ एस से डी में जा रहे हैं बेमतलब, कुछ लाभ ना होने के कारण भी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत क्या है कम है। अब देखो एक दो तीन चार पांच छह का सात हो गया आठ, छह का सात हो गया, और यहाँ सात होना चाहिए था ना, सात का क्या हो गया आठ, सात के बाद आठ, यहाँ देखो कितना गजब ट्रांसफर है, आठ का सीधा ही 10 हो गया, अपने आप को एस ने जीरो कर लिया, एस ने क्या कर लिया जीरो। और आपको पता है कि बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर एस का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, और मैं बच्चों को समझा रहूंगा कि एस एस और एस एस में या तो जीरो हो या तो एक हो या तो दो हो, तीनों स्थितियों में ही स्थाई होगा, ये बात मैंने आपको सिखाई है, या तो कोई उपकोष खाली हो या फिर आधा भर रहा हो या फिर पूरा भर रहा हो, ये बातें ध्यान रखनी। इसलिए एस ने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसे पूरा स्थाई कर दिया, अपने आप अब भी स्थाई है। अब आ जाओ आप इससे, यहाँ कितने होने चाहिए थे नौ, भाई नौ ही तो है जब यहाँ 10 होने चाहिए थे, नौ है तो नौ के 10 कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले गए, ये तो नॉर्मल है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी 10 है ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ हमें परिवर्तन दिखाई दिया है, हमें एक बात का तो ध्यान रखना है कि डी में चार के पांच होने और नौ के होने हैं 10, ये तो नेचुरल बात होगी। अब हमें पता चल गया कि आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ उपकोष ज्यादा स्थायी होता है, पर यहाँ परिवर्तन हमें NB, RU, RH और PD, इसमें बेमतलब ट्रांसफर हो गया, कोई फायदा ही नहीं है, इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, इसमें तो इन्होंने स्थायी कर दिया चलो डी और अपने आप को भी, ये तो बात समझ में आ रही है, पर ये चीजें तो अजीब हैं, इसलिए इन्हें तीन को याद रखना है, स्टार लगा दिया मैंने, आप नोट्स में आप लिखोगे इसे, एग्जाम में नहीं लिखना है इसे पर नोट्स में लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ आप 5D सीरीज, यानी कि पहली दूसरी तीसरी सीरीज, 5D सीरीज आ रही बेटे लेंथेनम 57 से लेके HG 80 तक। अब आप कहोगे 57 के बाद 72 आ गया जी, यहाँ तो 72 इसलिए आ गया है जिन बच्चों ने पिछली पढ़ाई ढंग से कर रखी है उन्हें पता है कि 57 के बाद 58 से लेके 71 तक के जो 14 तत्व हैं उन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक श्रेणी के रूप में रखा गया है जिसे कहते हैं लेंथेनाइड। यहाँ से 14 लेंथेनाइड उठा रखे और यहाँ से 14 एक्टिनाइड उठा रखे, देखो 89 के बाद 104, तो 57 लेंथेनम से लेके HG 80 तक है, और इसमें ध्यान रखना है 5D सीरीज है तो 5D आएगा, सारे में 5D है, और 5 का D है तो 6 का S आएगा, सारे में 6 का S है। अब इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें 5D और 6S के बीच का एनर्जी डिफरेंस उतना कम नहीं है जितना होना चाहिए, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, ध्यान से सुनियो कान खोल गए, यहाँ 3D और 4S का एनर्जी डिफरेंस ठीक ठाक है, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए था वहां ट्रांसफर हो गया, यहाँ एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा ही कम है, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था वहां भी हो गया ट्रांसफर, और यहाँ एनर्जी डिफरेंस इससे भी थोड़ा कम है, ध्यान से सुनियो, एनर्जी डिफरेंस इससे भी कम, सबसे कम डिफरेंस, उससे ज्यादा डिफरेंस, और यहाँ सबसे ही ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, और ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है तो क्या होगा कि जहां स्थायित्व आना होगा वहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यदि स्थायित्व कुछ ज्यादा ही आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ एक लॉजिक है बेटे बहुत बढ़िया, मैंने आपको सिखा दिया कि डी खाली है तो स्थाई है, डी आधा भरा हुआ है तो स्थाई है,
और डी पूरा भरा हुआ तो स्थाई है। ये तीन बातें समझ में आती हैं क्या आपके? यूं बताओ, कोई भी उपकोष यदि खाली है तो वो स्थाई होगा, कोई भी उपकोष आधा भरा हुआ है तो स्थाई होगा, और कोई भी उपकोष पूरा भरा हुआ है तो भी स्थाई होगा। पर बेटे आज बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनियो, बिल्कुल तैयार हो सुनने के लिए। बेटे मुझे पता है तीनों स्थितियों में स्थाई होता है कोई भी उपकोष, खाली हो, आधा भरा हुआ हो, पूरा भरा हुआ हो। पर बेटे सबसे ज्यादा स्थाई तीनों की, यदि मैं स्थितियों की तुलना करूं, तीनों का कंपैरिजन कर दूं, तो तीनों के कंपैरिजन में कौन सी स्थिति में कोई भी उपकोष सबसे ज्यादा स्थाई होता है? यह भी तो अपने आप में एक जबरदस्त सवाल है। क्या आपने सोचा है, कभी अपनी सोच को वहां तक पहुंचाया है आपने कि सर आपने बता दिया कि खाली उपकोष है स्थाई है, आधा भरा हुआ उपकोष है तो भी स्थाई है, और पूरा भरा हुआ उपकोष है तो भी स्थाई है। पर सर क्या हम इन तीनों अवस्थाओं की भी तुलना कर सकते हैं? मैं कहूंगा बेटे बिल्कुल कर सकते हैं तुलना, और आपने यदि इस चीज को समझ लिया तो आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो सुनो इस बात को बेटे, हमें पता है तीनों स्थितियों में खाली उपकोष है वो भी स्थाई है, आधा भरा हुआ भी स्थाई है, पूरा भरा हुआ भी स्थाई है। पर बेटे इन तीनों स्थितियों में सबसे ज्यादा स्थाई पता को कौन सा होता है? यदि तीनों की तुलना कर दूं, पूरा भरा हुआ उपकोष सबसे ज्यादा स्थाई होता है तीनों के कंपैरिजन में, आधा भरा हुआ उससे कम स्थाई होता है, और खाली उससे भी कम स्थाई होता है। तीनों हैं तो स्थाई स्टेबल हैं, पर इनका स्टेबिलिटी का भी तो कंपैरिजन हो सकता है, इनके स्थायित्व का भी तो तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है। सबसे ज्यादा स्थायी है पूरा भरा हुआ। सुन लो इस बात को, जरूरत पड़ने वाली इस बात की। देखो यहाँ देखो, मैंने कहा 5D और 6F में एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा है, और जहां जरूरत पड़ेगी शायद वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो, पर जहां स्थायित्व कुछ ज्यादा ही प्राप्त होने वाला होगा वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जहां स्टेबिलिटी वास्तविकता में बहुत जबरदस्त मिलेगी। और जबरदस्त स्टेबिलिटी खाली उपकोष के लिए तो नहीं मिलती है, आधे भरे हुए के लिए तो नहीं मिलती है। जब कहीं उपकोष पूरा भरने जा रहा होगा तो वहां मजबूरी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की। देखो डी में कितना है, 1, 2, 3, 4, अरे यार यहां तो ट्रांसफर होना चाहिए था, चार के कितने होने चाहिए थे, पांच होने चाहिए थे, स्टेबिलिटी आ जाती, पर हमने डब्ल्यू टंगस्टन पे स्टार लगा दिया, यहाँ आखिरी एस का एक इलेक्ट्रॉन आखिरी डी में ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि डी जब आधा भरता है तो स्थाई तो होता है, पर उतना ज्यादा स्थाई नहीं हो पाता है जितना पूरे भरने पर होता है, समझ रहे? तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। और चार के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9 का तो 10 हो गया, 9 का क्या हो गया 10, और जब 9 का 10 हो गया इसका मतलब इस बार क्यों हो गया जी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन? जब यहां इसने 4 का 5 नहीं होने दिया तो 9 का 10 किस तरीके से कर दिया? और यहां जो है 9 का 10 इलेक्ट्रॉन जब यहां कर दिए तो यहां इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हुआ, मतलब क्यों हुआ ट्रांसफर? अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों हुआ ट्रांसफर, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ और यहां क्यों हुआ ट्रांसफर। समझ में आया या नहीं आया? इसलिए हुआ क्योंकि आधे भरने पे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती है, उतना ज्यादा स्थायित्व नहीं आता है जितना पूरा भरने पे आता है स्थायित्व। तो ज्यादा स्थायित्व प्राप्त हो रहा था इसलिए ज्यादा संभावना हुई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की, ठीक है बेटे? इसलिए यहाँ क्या हुआ, डी में 10 हो गए 9 से, तो सिर्फ एक जगह ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसलिए एस में हर जगह तो होंगे 2, सिर्फ एक जगह ही एक इलेक्ट्रॉन होगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सिर्फ यहाँ ही चेंज होगा जो होना चाहिए था, होना तो चाहिए था यहाँ भी ट्रांसफर, पर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 5D और 6F के बीच का एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा है, ऊर्जा का अंतर ज्यादा है। सामान्य रूप से एस का इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर होना नहीं चाहता है, सिर्फ वहां ट्रांसफर होगा जहां उसकी मजबूरी बन जाएगी, यार ये तो कुछ ज्यादा ही स्थायित्व वो प्राप्त हो रहा है इसलिए यहाँ तो मुझे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। बताओ समझ में आएगा ये बात? बेटे ये बात आपको समझनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर क्या सारे बच्चे रट्टा मारते हैं रट्टा, बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और समझते हैं किसी टॉपिक को। और बेटे हमें समझना ही है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेकार, एक गंदी अवधारणा हमने बना रखी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रट्टा ही मारना होता है। बेटे समझना होता है, समझो ध्यान से जरा। 6D सीरीज पे आ जाओ आप, चौथी सीरीज पे, 6D सीरीज। 6D है हमारी एक्टिनियम 89 से लेके कॉपर निकम 112 तक।
और बेटे सीरीज में कहीं भी रटना नहीं है, सिर्फ जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा वे पॉइंट्स आपको समझने हैं। देखो 6D सारे में लिखा हुआ, जब 6 का D है तो 7 का S होगा। यहाँ स्टार सिर्फ यहाँ लगा है, देखो स्टार कहाँ लग रहा, SG, और कहीं स्टार नहीं लग रहा। और देखो आपको एक बढ़िया बात बताऊं, जैसा इसके साथ हुआ है ऐसा ही इसके साथ होना है। तो यहाँ देखो डी में 1 2 3 4, अरे यार 4 के तो 5 हो जाने चाहिए थे, 4 के 5 हो जाने चाहिए थे, आखिरी एस का एक इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए था। पर एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है, ऊर्जा का अंतर 6D और 7S का इतना ज्यादा है कि आधा उपकोष भरने पर जो स्थायित्व मिलता है वो कम स्थायित्व है तो वो स्थायी पर वो पूरे भरने के मुकाबले कम है, इसलिए यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हुआ जाके, यहाँ हुआ। देखो 4 के बाद 5 6 7 8 9 का 10 हो गया, देखो जैसे यहाँ 9 का 10 हो गया था, और फिर तो नॉर्मल है ही सब कुछ। तो यहाँ भी सिर्फ एस में हर जगह 2 आएंगे, सिर्फ यहाँ 1 आएगा, और यहाँ ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, यहाँ ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, यही तो बात समझनी। इसने इसे और इसे जरूर समझना है, और इन्हें जरूर समझना है, और इन्हें जरूर समझना है, फिर इन्हें समझने के बाद ये चीज हो जाएगी नॉर्मल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे आते हैं जो मैंने बेटे आपको एक्सप्लेन की हैं। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ बढ़िया बातें हम करेंगे जो हमने अभी समझी हैं। देखो मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है नोट, वर्ग 12 के तत्व ZnCdHgCn में N-1d उपकोष पूरे भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ हमने बताया है कि जो पहली संक्रमण श्रेणी है उसके लास्ट का तत्व, दूसरी के लास्ट का तत्व, तीसरी संक्रमण श्रेणी के लास्ट का तत्व और चौथी संक्रमण श्रेणी के लास्ट का तत्व। तो ये जो लास्ट के तत्व हैं वे वर्ग 12 के ही तो हैं बेटे, ये सबसे लास्ट में जो तत्व रखे होंगे वे 12वें वर्ग में ही तो होंगे, क्योंकि जो डी ब्लॉक तत्व हैं वे वर्ग संख्या 3 से लेके वर्ग संख्या 12 तक के हैं। तो जो सबसे लास्ट वाले तत्व हैं, 4 तत्व, पहली सीरीज का, दूसरी सीरीज का, तीसरी सीरीज का, चौथी सीरीज का, वे जो 4 तत्व हैं वे बेटे जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपर निकम है। क्या है? कॉपर निकम। इसे एन को छोटा बना लो, चलो अभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं इसे छोटा बना दूं। तो ये जो बेटे लास्ट के तत्व हैं ना, इनके अंदर आपको पता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 ही तो होंगे, लास्ट वालों में तो 10 ही आए थे जब हमने चारों सीरीज पढ़ी है। तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि यदि डी उपकोष पूरा भरा हुआ है तो हम ऐसे परमाणु को या तत्व को संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं। ध्यान से सुनो, डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, मैं दोबारा पढ़ रहा, वर्ग 12 के तत्व, आपकी समझ में आया वर्ग 12 का मतलब लास्ट वाले, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर निकम, ये 12 के तत्व है, पहली सीरीज का लास्ट का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी सीरीज का लास्ट का तत्व में सेकंड लास्ट डी उपकोष पूरे भरे होते हैं। भाई पूरे तो भरे हुए होंगे, डी में तो 10 होंगे जब सीरीज का लास्ट वाला परमाणु है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व नहीं माना जाता है। मतलब पेपर में सवाल ये आता है कि वर्ग 12 के तत्व ZnCdHgCn इन्हें संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व क्यों नहीं कहते हैं। तो आप कहोगे क्योंकि इनके डी उपकोष पूरे भरे हुए हैं, इनके डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। अच्छा अब सीरीज का जो सबसे पहला वर्ग है वो तीसरा वर्ग है, वर्ग 3 के तत्व SCYLAAC के गुण संक्रमण तत्वों से अलग होते हैं। जो सीरीज का पहला तत्व है और सीरीज का सबसे बाद का तत्व है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। बाद वाले तत्व तो ये हैं सीरीज के, और पहले तत्व वर्ग 3 से ही तो शुरू होते हैं, डी ब्लॉक तत्व। वर्ग 3 के ये जो 4 तत्व हैं इनके गुण संक्रमण तत्वों से अलग होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप अगले पॉइंट पे, इन दोनों कारणों की वजह से हमने लिखा, इसलिए वर्ग 3 व 12 के तत्वों को अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, या नॉन अप्रारूपी को कहते हैं नॉन टिपिकल, और संक्रमण तत्व को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट या अप्रारूपी संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लास्ट वाला तत्व है सीरीज का उसका तो डी पूरा भरा हुआ है, और सीरीज का जो पहला तत्व है किसी भी सीरीज का वो संक्रमण तत्वों के गुणों से अलग गुण दिखा रहा।
इसलिए हमने इन्हें कहा अप्रारूपी संक्रमण तत्व। एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा अगली बात देखो नोट, N-1d व NF उपकोषों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण, यानी कि यह बात तो मैंने आपको सिखाई है, डी और एस में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। बहुत से अपवाद होते हैं, अपवाद वे हैं जिन पे मैंने स्टार लगवाए आप। ये अपवाद 4d श्रेणी में सबसे अधिक होते हैं। 4d श्रेणी का मतलब वही है दूसरी श्रेणी जिसमें सबसे ज्यादा स्टार लगाए थे, क्योंकि 4d व 5s का ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है। 4d और 5s का जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी दूसरी सीरीज में जो 4d और 5s उपकोष हैं, उनका एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा ही कम है बेटे, इसलिए सबसे ज्यादा अपवाद आपको दूसरी सीरीज में ही देखने को मिलेंगे। पहली सीरीज आसानी से समझ में आ जाएगी सब बच्चों के, तीसरी और चौथी आसानी से समझ में आ जाएगी, दूसरी सीरीज में ही सबसे ज्यादा अपवाद है, उसी पर थोड़ा सा आप फोकस रखना अपना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम दूसरे नंबर पे आए हैं भौतिक गुण पे। भौतिक गुण में देखो क्या क्या सीखना है। ये जो संक्रमण धातुएं होती है ना बेटे, ये बहुत ज्यादा कठोर होती हैं और कम वाष्पशील होती हैं, और बेटे इनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं ना, वे बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च क्यों होते हैं, तो आप लिखोगे कारण। क्या कारण है? धात्विक बंध में NS के अतिरिक्त N-1d के अधिक इलेक्ट्रॉनों का भाग लेना। कि जब धात्विक बंध के कारण ही तो ये मजबूत हैं इतने, किसके कारण है मजबूत? धात्विक बंध के कारण। और धात्विक बंध में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जिस धातु में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे उतना ही ज्यादा धात्विक बंध में हिस्सा लेंगे, और वो धातु मजबूत होगा, कठोर होगा, उसका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होगा, तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे फोकस करोगे। देखो यूं बताया कि गलनांक व क्वथनांक इनके उच्च हैं, कारण क्या बताया कि जो धात्विक बंध बनता है उसमें बाहरी कक्षा के एस के अतिरिक्त सेकेंड लास्ट कक्षा के डी के अधिक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मजबूत धात्विक बंध बनेगा और उतना ही ज्यादा गलनांक व क्वथनांक होगा। जैसे यहाँ देखो, गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होता है। अब D5 के बारे में सोच तो लो, D5 का मतलब पता क्या है? D5 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5, और हम बात कर रहे हैं D5 की, तो 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। बताओ सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? तो D5 के केस में एक खासियत यह होगी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी बेटे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही बढ़िया धात्विक बंध बनेगा, उतना ही मजबूत धात्विक बंध बनेगा, और धात्विक बंध जितना मजबूत बनेगा गलनांक उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होता है। समझ में आई क्या बात? अच्छा इसे देखो, कणन एंथैल्पी भी इनकी बहुत उच्च होती है। कणन एंथैल्पी का मतलब, मान लो कोई धातु है और उसे हमने उसके परमाणुओं में अलग अलग तोड़ना है, तो अलग अलग तोड़ने के लिए एक मोल धातु को उसके परमाणुओं में तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे गर्म करना पड़ेगा, तो एक मोल धातु को उसके परमाणुओं में तोड़ने के लिए अलग अलग कण करने के लिए सारे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कणन एंथैल्पी, और वो इनकी उच्च है। क्यों है उच्च? देखो इसलिए उच्च है क्योंकि इनमें मिलता है मजबूत धात्विक बंध। क्या मिलता है? मजबूत धात्विक बंध। और वो धात्विक बंध इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि बाहरी कक्षा के एस के अलावा सेकेंड लास्ट के डी के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वे भी हिस्सा लेते हैं उस धात्विक बंध के बनने में। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखनी है कणन एंथैल्पी के बारे में, कि प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय श्रेणी की कणन एंथैल्पी उच्च होती है। ये चीज ध्यान रखोगे, बताऊं क्यों होती है उच्च प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय व तृतीय की? क्योंकि यहाँ जो डी और एस उपकोष है उनके एनर्जी डिफरेंस के चेंज होने के कारण हो रहा है। एनर्जी डिफरेंस है तो कम, पर पहली सीरीज के मुकाबले दूसरी सीरीज में तो बहुत कम है, और तीसरी में भी कुछ कम है। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे तीसरा गुण हमें पढ़ना है, परमाणविक व आयनिक आकारों में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि परमाणविक और आयनिक आकार जो होते हैं इनके संक्रमण तत्वों के या डी ब्लॉक तत्वों के, तो श्रेणी में किस तरीके से परिवर्तन होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यहाँ बेटे दो फैक्टर हैं, चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा पहले फिर बताऊंगा ऊपर से।
दो फैक्टर हैं। यदि आप किसी सीरीज में इस तरह चलोगे ना, इधर बाएं से दाएं चलोगे, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के क्रम में किसी सीरीज में चलोगे, तो क्या होता है कि जो हमारे पास नाभिक है ना, परमाणु का नाभिक, उस नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं इस तरीके से, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे नाभिक में, उतने ही क्या बढ़ेंगे, प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो बेटे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नाभिकीय आकर्षण बल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ ज्यादा खींचेंगे, जिसे आप कहते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हो? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यदि आप किसी भी सीरीज में इस तरफ को चलोगे, किसी भी श्रेणी में इधर को चलोगे, तो इधर को चलने से दो फैक्टर हैं। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की तरफ खींचते हैं। क्या होते हैं बेटे? नाभिक की तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक जितना आप इधर को चलोगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आकर्षण बल, ये जो आकर्षण बल है ये बढ़ेगा, और इस आकर्षण बल बढ़ने के कारण साइज घटता चला जाएगा, घटना चाहिए साइज। पर एक दूसरा फैक्टर भी है बेटे। दूसरा फैक्टर पता क्या है? एक तो मैंने आपको बताया, एक फैक्टर तो बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इसके कारण तो क्या होता है, साइज घटता है, आकार घटता है। और दूसरा फैक्टर पता क्या है बेटे? दूसरा फैक्टर है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा था कि डी जो उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन डी में एक, डी में दो, डी में तीन, डी में चार, इस तरह डी में एक से लेके दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस तक बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यदि मैं कह दूं कि ये लास्ट कक्षा है, तो ये सेकेंड लास्ट कक्षा होगी, और सेकेंड लास्ट कक्षा के डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को धकेलते हैं। इस तरह क्या करते हैं? बाहर की तरफ को धक्का देते हैं। मैं आपको दोबारा समझा रहा कि ये बाहरी कक्षा का एस है, जिसे आप कहते हो एनएस, और ये जो है सेकेंड लास्ट कक्षा का, मान लो डी है, सेकेंड लास्ट कक्षा का डी माने n-1d। तो n-1d में भी तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है कि ये n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रभाव को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। जब आप किसी सीरीज में इस तरीके से चलोगे, किसी श्रेणी में आप इस तरीके से चलोगे, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश चाहता है कि मैं परमाणु के साइज को सिकोड़ता चला जाऊं, सिकोड़ता चला जाऊं, श्रिंक करता चला जाए परमाणु का साइज, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, केंद्र की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो ये तो सोच रहा है कि मैं साइज को घटाऊं जब इधर को चलेंगे हम, और ये सोच रहा है कि मैं साइज को बढ़ाऊं। पर आपको बेटे एक बात समझनी पड़ेगी कि इन दोनों में मुकाबला होता है। क्या होता है मुकाबला? जब किसी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में हम इस तरीके से चलते हैं ना, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे, ये प्रभाव भी इलेक्ट्रॉन्स पे और ये भी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। पर सच्चाई पता क्या है बेटे? सच्चाई ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादातर हावी रहता है परिरक्षण प्रभाव पर, क्योंकि यहाँ परिरक्षण प्रभाव कौन दिखा रहे? परिरक्षण प्रभाव दिखा रहे हैं n-1 के d इलेक्ट्रॉन। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि s इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा परिरक्षण प्रभाव दिखाते हैं, p इलेक्ट्रॉन उससे बेकार और d उससे भी बेकार, और f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव सबसे बेकार होता है। तो यहाँ परिरक्षण प्रभाव दिखाने वाले कौन हैं? परिरक्षण प्रभाव दिखाने वाले हैं n-1 के d इलेक्ट्रॉन, ये परिरक्षण प्रभाव दिखा रहे, और इनका परिरक्षण प्रभाव इतना कम है कि एक इलेक्ट्रॉन n-1d का एक इलेक्ट्रॉन इसका मुकाबला नहीं कर सकता है।
दो भी नहीं कर सकते, तीन भी नहीं कर सकते, चार भी नहीं कर सकते, पांच भी नहीं कर सकते, छह भी नहीं कर सकते, सात भी नहीं कर सकते, आठ भी नहीं कर सकते हैं। जब नौ इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी मुकाबला नहीं होने का, समझो ध्यान से। नौ इलेक्ट्रॉनों पे बराबरी आएगी, और जब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दस, डी में कितने हो जाएंगे, दस, तो डी में दस इलेक्ट्रॉन होने पर, सब बच्चों की समझ में नहीं आती है बात, ध्यान से समझिए जरा बेटे। जब एन माइनस वन के डी उपकोष में दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को हारना पड़ेगा, अब जीत होगी परिरक्षण प्रभाव की। समझ में आ रही बात? देखो चलो, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ, हम समझ रहे हैं कि जब आप किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हो तो दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश चाहता है कि परमाणु सिकुड़ जाए, साइज घटता चला जाए इधर को जाने। दूसरा फैक्टर है एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव, यह चाहता है कि मैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे दूं बाहर की तरफ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव दिखाऊं, जिसकी वजह से परमाणु फैलता चला जाए। पर क्या होता है कि दसवें वर्ग तक तो ये जीतता है, ये हावी होता है इस पर, और दसवें वर्ग के बाद आपको पता है ना, डी ब्लॉक तत्वों को वर्ग संख्या तीन से लेकर वर्ग संख्या 12 तक रखा गया है, तो वर्ग संख्या तीन से लेकर और वर्ग संख्या 9 तक इसकी जीत होगी। किसकी जीत होगी? इसकी। और दसवें वर्ग में दोनों जाके बराबर हो जाएंगे, और ग्यारहवें और बारहवें वर्ग में इसकी जीत होगी परिरक्षण प्रभाव की। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट ये होता है कि यदि किसी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आप बाएं से दाएं चलोगे, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में चलोगे, तो वर्ग संख्या तीन से लेकर और वर्ग संख्या दस तक तो साइज घटेगा। साइज क्यों घटेगा? क्योंकि ये हावी है जो साइज को घटाने वाला है। और वर्ग संख्या 10 से लेकर और वर्ग संख्या 12 तक साइज बढ़ेगा, क्योंकि वहां हो जाएगा परिरक्षण प्रभाव हावी। किस पे हावी हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। तो यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि परिरक्षण प्रभाव जो डी इलेक्ट्रॉन का होता है वो बहुत कम होता है, और वे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। पर जब डी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 9 के बराबर पहुंच जाती है तो बराबरी का मुकाबला होता है दोनों के बीच, और जैसे ही डी में हो जाएंगे 10 तो समझो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश से। अब देखो जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है, परमाण्विक व आयनिक आकारों में परिवर्तन इंपॉर्टेंट। किसी श्रेणी में वर्ग 10 तक आकार घटता है, वर्ग 10 तक आकार क्यों घटता है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश हावी होता है परिरक्षण प्रभाव पर तथा फिर बढ़ता है, और वर्ग 10 के बाद क्या होगा, साइज बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग 10 से पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव पर हावी होता है। वर्ग 10 से पहले तो कौन हावी होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश हावी होगा। किस पे हावी होगा? एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव पर, ठीक है। परंतु दसवें वर्ग के बाद परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश पर हावी होने लगता है। किस पर हावी होने लगता है बेटे? नाभिकीय आवेश पर। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको, कि किसी भी संक्रमण तत्वों की चार श्रेणियां हैं, किसी भी श्रेणी में यदि आप बाएं से दाएं चलते हो या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में चलते हो, तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार या आयनों का आकार किस प्रकार बदलता है? तो आप कहोगे पहले वर्ग से दसवें वर्ग तक घटेगा साइज, उसके बाद बढ़ेगा। वे पूछेंगे कि दसवें वर्ग तक क्यों घटा और उसके बाद क्यों बढ़ा, तो आप कहोगे दसवें वर्ग तक इसलिए घटा क्योंकि वहां प्रभावी रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और उसके बाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि वहां प्रभावी रहा है एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव, ठीक है बेटे। अब आ जाओ आप चौथे गुण पे, आयनन एंथैल्पी। आपको पता है ना, आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी आयनन ऊर्जा एस व पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होती है, यानी कि एस ब्लॉक तत्वों से तो ज्यादा होगी और पी से होगी कम, ठीक है। किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यदि किसी सीरीज में आप इधर से उधर चलोगे, किसी भी श्रेणी में, चार श्रेणियां मैंने आपको बढ़ाई,
तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। 5D श्रेणी के तत्वों, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D व 4D श्रेणियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ध्यान से समझियो, यूं कहा कि 5D श्रेणी के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है भाई, 5D श्रेणी तो नीचे रखी हुई 3D और 4D से, और जब आवर्त सारणी में नीचे की तरफ को जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा घटती है, और यहाँ हो रहा उल्टा ही हिसाब, कुछ यहाँ उल्टा हिसाब ये हो रहा। देखो देखो, जो बातें मैं आपको बताता हूँ सारे बच्चे कैच नहीं कर पाते उन बातों, इन बातों को सिर्फ वो ही बच्चा कैच करेगा जिसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, जिसे वास्तविकता में कुछ करना है भविष्य में। सारे बच्चे इन बातों को नहीं समझते बेटे, सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, जो अचानक से कहीं से भी किसी भी वीडियो को खोल के देख लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक निश्चित क्रम में चलना चाहिए हमें, जिससे हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। यहाँ लिखा हुआ है कि 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D व 4D श्रेणियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, मतलब ज्यादा होती है, आयनन ऊर्जा होनी चाहिए कम। इसका कारण 5D श्रेणी में 4F इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, क्योंकि जब हम 5D सीरीज में आ जाते हैं तो 5D सीरीज में बेटे 4F इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है, ये इंटरफेयर यानी इनका हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, यानी कि 4F में भी इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको कहा है कि परिरक्षण प्रभाव सबसे अच्छा होता है S इलेक्ट्रॉन्स का, फिर उससे बेकार होता है P इलेक्ट्रॉन्स का, उससे भी बेकार होता है D इलेक्ट्रॉन्स का, और सबसे बेकार परिरक्षण प्रभाव होता है F इलेक्ट्रॉन्स का। और यहाँ जो 5D सीरीज आपकी है, इसमें 5D श्रेणी में क्या होता है, 4F इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? 4F। और 4F इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। और जब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा तो वो जो बाहरी कक्षा है वो बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ को खींचेगी, नाभिक की तरफ, और जब नाभिक की तरफ खींचेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मुकाबला कौन कर रहे, 4F इलेक्ट्रॉन कर रहे परिरक्षण प्रभाव द्वारा। और 4F इलेक्ट्रॉन का या F इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव है ही बहुत कम, तो वे बाहरी कक्षा को या परमाणु की जो बाहरी कक्षा है उसे नाभिक की तरफ खींचने से नहीं रोक पाएंगे, और उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर जो नाभिक का आकर्षण बल है, जिसे आप कहते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जभी तो लिखा है 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D व 4D श्रेणियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। बताओ ये बात समझ में आएगा, पेपर में सवाल आता है, ध्यान रखना आपको। अच्छा अगली बात, ZnCdHg की आयनन ऊर्जा अब सामान्य रूप से अधिक होती है। भाई ZnCdHg और कॉपर निकम ये तो बाद वाले हैं, सीरीज के बाद वाले, जिसे आप कहते हो वर्ग 12 के तत्व। भाई पहली सीरीज का लास्ट का तत्व जिंक 30 है, दूसरी सीरीज का लास्ट का तत्व कैडमियम है, तीसरी का मरकरी, चौथी का कॉपर निकम है, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ। तो ये जो लास्ट वाले हैं, तो मुझे यूँ बताओ लास्ट वालों के एस उपकोष में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है बेटे? जो सीरीज का लास्ट वाला एलिमेंट है, श्रेणी का लास्ट वाला तत्व है, इनके पास एस में दो दो इलेक्ट्रॉन है, और एस में दो दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या प्रभाव पड़ा? देखो ZnCdHg की आयनन ऊर्जा अब सामान्य रूप से अधिक होती है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका एस उपकोष अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है अधिक स्थायी? आपको बताया एस उपकोष तीन स्थितियों में स्थायी हो सकता है, या तो वो खाली हो, या तो वो आधा भरा हो यानी S1, या फिर वो पूरा भरा हो यानी S2। अब मैं कहूं कि यार जीरो, यार आधा और यार पूरा भरा हुआ, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी किसे कहोगे आप? कुछ बच्चे कहेंगे जी तीनों स्थायी हैं, यदि एस उपकोष में जीरो है तो भी स्थायी है, एस में यदि एक इलेक्ट्रॉन है मीन्स वो आधा भरा हुआ है तो भी स्थायी है, और कुछ बच्चे कहेंगे कि जी एस में यदि दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो पूरा भरा हुआ है तो भी स्थायी है, पर हमारे में से ही कुछ बच्चे कहेंगे जी इनमें सबसे ज्यादा स्थायी वो है जब एस में दो इलेक्ट्रॉन है, यदि इन तीनों स्थितियों के स्थायित्व का कंपेरिजन करें। तो आपको पता है कि ZnCd और HG आयनन ऊर्जा जो इनकी होगी अब सामान्य यानी एबनॉर्मली, जैसा नहीं होना चाहिए, अधिक होती है, क्योंकि इनका एस उपकोष अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है अधिक स्थायी? मैंने कारण बता दिया, एस में दो दो इलेक्ट्रॉन है भरे हुए, पूरा भरा हुआ है तो ज्यादा स्थायी तो होगा ही। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि
जहां भी मैं आपको हेडिंग लिखवाता हूँ नोट, तो नोट का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट जिसे क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया कि ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताओ, संक्रमण धातुओं की या डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बेटे आपको ये सारा लिखना है, पर जो नोट हेडिंग है वे नहीं लिखने हैं। जहां भी मैं आपको, आपने एक बात महसूस की होगी कि मैं बीच बीच में आपको नोट में बहुत सारी बातें सिखाता रहता हूँ नोट हेडिंग लिख के, बेटे वो मुख्य हेडिंग का हिस्सा नहीं होता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। वे होते हैं एडिशनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं। तो यदि ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में वे पूछ रहे हैं तो हमें नोट को छोड़ के बाकी सब कुछ लिखना है, नोट वाला कोई हेडिंग नहीं लिखना है, पर नोट वाले हेडिंग सारे समझने हैं ढंग से, क्योंकि वे अपने आप में ही क्वेश्चन होते हैं। देखो जरा पांचवे गुण की हम बात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो ध्यान से, श्रेणी के पहले व अंतिम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो आप किसी भी श्रेणी में जाओगे तो पहले तत्व को छोड़ दो और सबसे लास्ट वाले तत्व को छोड़ दो, तो पहले और लास्ट वाले तत्व को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व श्रेणी में हैं कितने बचे? एक श्रेणी में होते हैं 10 तत्व, पहला छोड़ दिया और बाद वाला छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, तो 10 में से 2 गए 8 तत्व। तो बीच के में जो 8 तत्व होते हैं वे बेटे क्या दिखाते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं सारे तत्व। क्यों करते हैं? क्योंकि N-1d व NS दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि N-1d के इलेक्ट्रॉन और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन यौगिक निर्माण में भाग ले सकते हैं। मतलब जब भी कोई यौगिक बनेगा तो आपको यह नहीं सोचना है कि बाहरी कक्षा के S इलेक्ट्रॉन ही यौगिक के निर्माण में भाग लेंगे। N-1d के इलेक्ट्रॉन और NS के इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन ही यौगिक के निर्माण में भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग तरह के यौगिक बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, जो संक्रमण धातु से दिए गए इलेक्ट्रॉन से उनकी संख्या अलग अलग होगी, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है, इसलिए हमने लिखा है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं कौन? संक्रमणीय तत्व किसी भी श्रेणी के। अब देखो यहाँ एक हेडिंग लिखी है नोट, 1, 2, 3, 4 और 5 नोट मैंने यहाँ समझाए हैं, ये सब ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में ही हैं और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो एक नोट, स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है कि स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, या फिर यूं पूछेंगे कि स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 क्यों होती है? क्यों होती है? देखो क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। क्या होता है? 3d1 4s2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें दो। 3d व 4s में कम ऊर्जा अंतर होने के कारण इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस कम है, तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, ये तीनों ही निकल जाएंगे क्योंकि 3d और 4s जो उपकोष है इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे, और जब तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही तो प्रदर्शित करेगा बेटे, ये कौन? स्कैंडियम। ये अपने आप में क्वेश्चन है। फिर देखो एक और बढ़िया पॉइंट नोट, प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से Mn तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ध्यान से समझियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्रथम संक्रमणीय श्रेणी की बात करोगे तो स्कैंडियम से Mn यानी मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां इसे थोड़ा सा सही करके लिख दूं, ऐसा पता क्यों होता है बेटे? यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ना लिख के सबसे अच्छा पता क्या रहेगा? सबसे अच्छा ये रहेगा क्योंकि, यहां लिखूं क्योंकि, ध्यान से समझियो अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। मुक्त क्या? अयुग्मित लिखो, अयुग्मित, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यूं बताओ स्कैंडियम से Mn पे जाओगे
तो स्कैंडियम में तो डी वन है, डी में वन, डी में टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव। जब आप डी फाइव पे पहुंचोगे तो डी में जब पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डी में जब बेटे पांच इलेक्ट्रॉन होंगे तो पांचों तो अयुग्मित होंगे। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, यदि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच, तो आपको पता है एक दो तीन चार पांच तो कक्षक होते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हैं डी फाइव, तो पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। यदि छह इलेक्ट्रॉन हो गए फिर तो चार ही अयुग्मित हो जाएंगे। यदि मैं इसमें छह भर दूं तो एक यही तो बनाऊंगा। अब तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी फाइव में। तो आप जैसे जैसे स्कैंडियम से आगे की तरफ चलोगे वैसे वैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी आक्सीकरण संख्या भी क्या होगी बेटे, बढ़ेगी। तो ये लिखा हुआ है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से एमएन तक आक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अब सही हुआ वाक्य, एमएन के बाद आक्सीकरण संख्या घटने लगती है। भाई यदि छह कर दिए तो यहां भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, चार। सात कर दिए तो तीन रह जाएंगे, आठ कर दिए तो दो रह जाएंगे, नौ कर दिए तो एक रह जाएगा, और दस कर दिए तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एमएन के बाद आक्सीकरण संख्या घटने लगती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब इसे देखो जरा, इस वाले को, डी जीरो, डी फाइव, डी टेन, खाली आधा भरा हुआ पूरा भरा हुआ, विन्यास पर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। यह चीज तो आपको पहले से ही पता है कि ज्यादा स्थायित्व या तो डी जीरो पे होगा या डी फाइव पे या डी टेन पे। जैसे टाइटेनियम फोर पॉजिटिव है, देखो टी आई फोर पॉजिटिव, इसका विन्यास होता है थ्री डी जीरो, वो टाइटेनियम थ्री पॉजिटिव से अधिक स्थायी होगा बेटे। ये ज्यादा स्थायी होगा ये कम स्थायी, क्योंकि इसमें थ्री डी जीरो विन्यास है। और बेटे एम एन डबल पॉजिटिव यानी थ्री डी फाइव ज्यादा स्थायी होगा एम एन ट्रिपल पॉजिटिव से। इसी तरीके से ए जी पॉजिटिव यानी थ्री जी टेन, इसका विन्यास ज्यादा स्थायी होगा ए जी डबल पॉजिटिव है। तो पेपर में सवाल यूँ पूछा जाता है कि टी आई फोर पॉजिटिव टी आई थ्री पॉजिटिव से ज्यादा स्थायी क्यों होता है, तो आप यूँ लिखोगे कि टाइटेनियम की चार ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी इसलिए होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थ्री डी जीरो होता है, जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए चार ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है तीन के मुकाबले। अगला पॉइंट देखो जरा, नोट एक और आ गया। ऑक्सीजन व फ्लोरीन के छोटे आकार व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज छोटा है पता है आपको, हमने पढ़ लिया इन्हें दोनों को, और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की फिर ऑक्सीजन की है। संक्रमण धातुएं इनके साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती हैं, जैसे VO3 वेनेडियम ट्राईऑक्साइड में इसकी वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बैठेगी, +5, और वेनेडियम हेक्सा फ्लोराइड में कितनी बैठेगी, +5। तो यदि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये संक्रमण धातुएं जुड़ती हैं तो संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है बहुत ज्यादा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो नोट अगला पॉइंट, इनके ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय होते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय होते हैं, जैसे MnO ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो क्षारीय होगा, MnO3 ऑक्सीजन संख्या +6 होगी, पता ना ऑक्सीजन की -2 होती है, दो तिया छह, माइनस के छह को खत्म करने के लिए प्लस के छह, ऐसे निकालते हैं ना ऑक्सीजन संख्या, तो ज्यादा है तो अम्लीय है, और यहाँ कम है तो क्षारीय है, ज्यादा है तो अम्लीय, और यदि बीच में हुई +4 तो उभयधर्मी, यानी जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण हो, अम्लीय भी और क्षारीय भी। ठीक है बेटे, उभयधर्मी तो पता है ना आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। नंबर छह पे हमें पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव या ई नॉट। इसमें ध्यान रखना है कि कॉपर के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम होता है, इसलिए ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ाया था ना मैंने। नंबर सात पे आ जाओ, चुंबकीय गुण, ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति यानी अपनी कक्षा में घूमना, वे चक्रण गति यानी अपने अक्ष पे घूमना के कारण, ये दो गतियां हैं, कक्षीय गति व चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण संक्रमण धातुओं में, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सूत्र है μ = √n * n + 2।
इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन, बी एम से आप इसे बेटे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ एन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। नंबर 8 है रंगीन आयनों का बनना, संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझियो, डी उपकोष में क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दृश्य प्रकाश के एक निश्चित भाग को अवशोषित करके, मतलब दृश्य प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं आपको पता है, उसके एक निश्चित भाग को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। भाई वे तो चले गए उच्च ऊर्जा स्तर में, जबकि शेष प्रकाश को परावर्तित करते हैं। भाई कुछ प्रकाश तो उन्होंने अवशोषित कर लिया, बाकी को परावर्तित कर दिया, जिसके कारण यह रंगीन दिखाई देते हैं। जिस प्रकाश को वे परावर्तित करेंगे उसी रंग का दिखाई देगा वो संक्रमण तत्व या धातु। ये चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि ये वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं। यदि कोई वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है तो समझो कि 7 रंगों में से 6 रंग तो उसने अवशोषित कर लिए, सिर्फ लाल रंग को ही उसने परावर्तित किया है, इसलिए वस्तु लाल दिखाई देती है, ठीक है। आपने भौतिक विज्ञान में प्रकाश वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी होगी। नंबर 9, संकुल यौगिकों का बनना, रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये संकुल यौगिक बनाते हैं, एग्जाम्पल K4Fe-CN6। देखो Fe इसमें संक्रमण धातु है। उसके बाद नंबर 10, उत्प्रेरकीय गुण, परिवर्ती संयोजकता व ऑक्सीकरण अवस्था तथा रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। 3 चीज है, परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और रिक्त डी कक्षक, जैसे FePTPDNI, ये सब क्या है बेटे, उत्प्रेरक ही तो है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा अगली बात करेंगे फिर हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे अब हम पढ़ेंगे अंतराकाशी यौगिकों का बनना, 11वां गुण है। इनके अंतराकाशी में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि उपस्थित होने से अंतराकाशी यौगिक बनते हैं। मैंने अंतराकाशी ठोस आपको पढ़ाया था बेटे फर्स्ट यूनिट में, वहां आपने सीखा होगा इस चीज को। ये एस रस समीकरण मितीय यौगिक हो सकते हैं, यानी जो अंतराकाशी यौगिक या अंतराकाशी ठोस बनते हैं वे कैसे हो सकते हैं, ए रस समीकरण मितीय, जिसे आप कहते हो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स या सॉलिड्स। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि एस रस समीकरण मितीय यौगिक उन्हें कहते हैं जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात बदल जाता है, उन्हें कहते हैं ए रस समीकरण मितीय यौगिक। आप इसके लिए फर्स्ट यूनिट को देख सकते हो बेटे, वहां मैंने आपको सिखाई थी ये बात। जैसे FeC, FeH2N, ये दोनों कैसे यौगिक हैं, अंतराकाशीय यौगिक हैं, ठीक है। आप इसे कह सकते हो आयरन कार्बाइड, ऑक्टा आयरन नाइट्राइड, इस तरह आप इनके नाम लिख सकते हो। इनके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं अंतराकाशीय यौगिकों के, इनके गलनांक शुद्ध धातु से अधिक होते हैं, ये बहुत अधिक कठोर होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटे। और 12वां और लास्ट गुण हमें पढ़ना है, मिश्र धातुओं का निर्माण। तो हमारी जो संक्रमण धातुएं हैं वे मिश्र धातु बनाती हैं, इनकी मिश्र धातुएं कठोर होती हैं, एक तो ये बात ध्यान रखनी। इनके गलनांक उच्च होते हैं, जब कठोर होंगी तो गलनांक तो बेटे ज्यादा होंगे ही, और क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, इन सबसे बनता है स्टील, जिसे आप कहते हो स्टेनलेस स्टील या SS, या इसे आप इस्पात भी कह सकते हो। और बेटे एक ये दो ध्यान रखनी है, मिश्र धातुएं, पीतल बनता है कॉपर और जिंक से, और कांसा बनता है कॉपर और टिन से, टिन कह दो या स्टेनम। तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि डी ब्लॉक तत्वों के बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी कि डी ब्लॉक तत्व या संक्रमणीय तत्व का आखिरकार मतलब क्या है। एग्जाम में कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि डी ब्लॉक तत्वों का वर्णन कर दो पूरा। यदि उन्होंने पूछ भी लिया तो ये हेडिंग आपको छोटे छोटे लिखने हैं, और जहां मैं बीच बीच में नोट लिखवाता हूँ, कहीं भी मैं जब भी पढ़ाता हूँ नोट में जो भी चीज लिखवाता हूँ बेटे, वो हमारे टॉपिक से हटके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन होता है।
यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वे नोट आपको वहां नहीं लिखने होते हैं, उन्हें तो बस याद रखना होता है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।